नीमच जिले के मनासा तहसील के आदरी ग्राम के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स के टीचर का ट्रांसफर हो गया, जिससे नाराज छात्रों ने टीचर के ट्रांसफर को रोकने के लिए स्कूल परिसर में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। एसडीएम व तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाइश देने के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद स्कूल के गेट पर लगा ताला खुलवाया गया। दरअसल मैथ्स के टीचर का ट्रांसफर अन्यत्र जगह होने से स्कूली छात्रों ने ट्रांसफर का विरोध किया, साथ ही स्कूल के परिसर पर ताला जड़ दिया। वहीं अपनी मांगे मनवाने के लिए नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना है कि कुछ दिन बाद टर्मिनल एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसे में कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है और साथ ही एक महीने से पढ़ाई भी नहीं हुई। पूरे स्कूल में 6 अतिथि शिक्षक हैं, जिसमें से 3 छुट्टी पर है। क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, हमारे स्कूल में बाहर अभी एक भी टीचर स्थायी नहीं है। अभी एक महीने से हमारी पढ़ाई भी सही साथ नहीं हो पा रही है। 10 दिन बाद हमारे त्रैमासिक परीक्षा भी है और एक सर थे चंद्रावत जी सर, उनका भी आज ट्रांसफर हो गया है, जो हमें 3 सब्जेक्ट कवर करवाते थे। गए साल भी हमारे स्कूल में फिजिक्स के टीचर नहीं थे, तो उन्होंने ही हमको एक्स्ट्रा क्लास लगा के फिजिक्स पढ़ाई थी। हमारे स्कूल में एक भी स्थायी शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। एक महीने के अंदर 4 शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए और एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। इस वजह से स्कूल में आज की डेट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, उस वजह से हमको ताला लगाना पड़ा। कितने दिनों से आपको पढ़ाई नहीं हो पा रही? यहाँ पर पढ़ाई एक महीने से बिल्कुल यूँ चल रही है और एक टीचर थे जो संभाल रहे थे, उनका भी आज ट्रांसफर हो गया। इस वजह से आज इस स्कूल में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। आगे आप क्या करेंगे? और हमारे 10 दिन में टर्मिनल एग्जाम आने वाली है, जिसकी तैयारी भी अभी तक हमारी नहीं हो पाई है। बच्चों का कहना है कि एग्जाम सर पर है और पिछले एक माह से पढ़ाई नहीं हुई, ऐसे में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका ट्रांसफर कर दिया, जिससे नाराज होकर छात्रों ने स्कूल परिसर के गेट पर ताला जड़ दिया। वो तो आज पता चला है कि टीचर नहीं आ रहे हैं, अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं और ज्ञात हुआ है कि केवल एक ही शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है, एक प्राचार्य है और बाकी के ट्रांसफर होकर चले गए हैं। अतिथि गण भी यहाँ पर हैं 6। ये स्थिति तो अभी एक साथ बैठे हुए थे और ये चर्चाएँ चल रही थी, उसमें मैं आया और इनके समस्याओं का निदान भी निकाला गया है और निदान भी यहीं पर ही है। टीचर जैसे कि अभी मैंने जाते जाते बात करी है कि भाई एकीकृत शाला में मिडिल से लगा के हायर सेकेंडरी तक एक ही टाइम टेबल होना चाहिए था, जो कि थोड़ा डिफेक्टिव है। ये सही हो जाएगा तो इनके मतलब जो है सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उसमें से 6 अतिथि टीचर यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन अब इनका बच्चों का कहना है कि जो चंद्रावत टीचर का ट्रांसफर हुआ है जो प्रशासनिक तौर पर किया गया, और वो बच्चे लोग चाह रहे हैं कि वही टीचर यहाँ उनका ट्रांसफर के वही टीचर पढ़ाए। फिलहाल आला अधिकारियों के समझाइश के बाद बच्चों ने अपना विरोध खत्म किया और स्कूल के गेट से ताला हटाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, नीमच।